देश विदेश के सभी काव्य प्रेमियों का मैं धर्म प्रकाश मिश्र अपने यूट्यूब चैनल कविता सीरीज के मंच पर सादर चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जो काव्य प्रेमी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन टच कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं काव्य गंगा में गोता लगाने। प्रसंग चल रहा था गंगा पुत्र भीष्म युद्ध क्षेत्र में हैं, भगवान कृष्ण उधर अर्जुन का सारथी बन करके रथ हाँकते हुए युद्ध में हैं। भीषण युद्ध हो रहा है, इधर गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा है कि मैं आज प्रभु कृष्ण से चक्र उठवा लूँगा, और उधर कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा। गंगा पुत्र भीष्म भीषण युद्ध कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का मन उहा पोह में है, उनका मन सोच रहा है चक्र उठाऊं कि न उठाऊं, करूं तो करूं क्या। बड़ा ही अद्भुत भक्त और भगवान का प्रसंग चल रहा है इस भीषम बाबा खंड काव्य में, जिसकी रचना की है महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने। पिता श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रसंग चल रहा था भीष्म के भीषण युद्ध कौशल को देखते हुए भगवान कृष्ण विचलित हैं, उनका मन अपने आप से ही पूछ रहा है करूं तो करूं क्या, प्रतिज्ञा तोड़ दूं कि प्रतिज्ञा की रक्षा करूं। भक्त और भगवान का नाजुक संबंध इस भाग में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पहला छंद आपके हवाले करता हूं। इस छंद को हम लोग पिछले भाग में सुन चुके हैं, पुनः इसलिए सुना दे रहा हूं कि अगली कथा का प्रसंग उसका प्रवाह बन जाए। भगवान कृष्ण का मन कह रहा है कि चक्र गही अथवा न गही हम का करी हे मन तू ही बताव, कि चक्र गही अथवा न गही हम का करी हे बन तू ही बताव। और बोलल बा मन चक्र गहे महिमा न घटे तनु सोच न लाव। भगवान कृष्ण का मन अपने आप से बात कर रहा है कि चक्र गही अथवा न गही हम का करी हे मन तू ही बताव। और बोलल बा मन चक्र गहे महिमा न घटे तनु सोच न लाव। तो टेक टरे नहीं भक्तन कहे ई तू ही प्रण कैल त तू ही निभाव, टेक टरे नहीं भक्तन कहे ई तू ही प्रण कैल त तू ही निभाव। तो लोक बसौल तू ही ध्रुव के बदे भीष्म बदे अब चक्र उठाव, कि लोक बसौल तू ही ध्रुव के बदे भीष्म बदे अब चक्र उठाव। उनका मन कह रहा है कि माधव आप भीष्म के लिए चक्र उठाओ, भक्तों की आपने हमेशा रक्षा की, भक्तों का हमेशा मान बढ़ाया, आपको प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी तो आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया है, रण छोड़ना पड़ा तो आपने रण भी छोड़ दिया है, लेकिन भक्तों की महिमा को घटने नहीं दिया आपने कभी। भगवान कृष्ण का मन यहीं पर नहीं रुकता, वो आगे फिर कहता है कि औरन केतु असाध्य भले पर भक्त के खातिर बाटू बाट उबारू, कि औरन केतु असाध्य भले पर भक्त के खातिर बाट उबारू, और दासन के अगवा तोहरे बदे और सब घुरऊ कतवारू। घुरऊ कतवारू मतलब सामान्य प्राणी, कि औरन केतु असाध्य भले पर भक्त के खातिर बाट उबारू, और दासन के अगवा तोहरे बदे और सब घुरऊ कतवारू। तो बा इन्हने क बढ़ाए तना मन अरे कर्म कुकर्म पे होले उतारू, तो लंका में अंगद काही के दाव पर राम क धई देहल मेहरारू। क्या बात है, मन कह रहा है भगवान कृष्ण का स्वतः से कि आपके भक्त इतना मन बढ़ू हैं कि बिना आपसे पूछे ही वो अपना अगला कदम उठा देते हैं कि प्रभु है ना पूरा करेंगे। अगला छंद आता है कि भक्त प्रभु कयो भक्त न कय प्रभु दूनों के दूजे कयासन बाटे, कि भक्त प्रभु कयो भक्त न कय प्रभु दूनों के दूजे कयासन बाटे, और भाव परस्पर जानत दूनों के और कहीं पर सुपासन बाटे। तो राम के सोच समाइल शायद तुष्ट हमारई दासन बाटे, राम के सोच समाइल शायद तुष्ट हमारई दासन बाटे। तो दाव पे ना हम के धैले हमरे पर का विश्वासन बाटे। क्या प्रसंग किया है, क्या प्रसंग आया है। पंडित जी लिखते हैं
जब आया कि इधर एक पंक्ति आई कि लंका में अंगद काही के दाव पर राम कधई देहलय मेहरारू, तो इधर प्रभु राम के मन में एक भाव उठता है, क्या हमारे भक्त अंगद को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, वो सीता को दाव पर लगाया, हमें क्यों नहीं दाव पर लगाया। भगवान प्रभु राम चिंतित हो जाते हैं कि लगता है भक्त मुझसे संतुष्ट नहीं है, कि भक्त प्रभु कय भक्त न कय प्रभु दूनों के दूजे कय आसन बाटे, कि भक्त प्रभु कयो भक्त न कय प्रभु दूनों के दूजे कय आसन बाटे, और भाव परस्पर जानत दूनों के और कहीं पर सुपासन बाटे, तो राम के सोच समाइल शायद अरे तुष्ट हमारे ही दासन बाटे, तो दाव पना हम के धैले हमारे पर काबी सवासन बाटे। क्या बात है, क्या मार्मिक प्रसंग है, प्रणाम करता हूँ पंडित जी को। अगला क्षण देखिए कि भूल करै कि अभूल तबौ, कि भूल करै कि अभूल तबौ अनुकूल सदा यदि भक्त भूलैलै, कि भूल करै कि अभूल तबौ अनुकूल सदा यदि भक्त भूलैलै, और कैलै कुकर्म सुकंठ विभीषण ओपर रामक ध्यान न गैलै, तो लोक समाज में नाह कही बदनामै धर्म धुरंधर भैलै, लोक समाज में नाह कही बदनामै धर्म धुरंधर भैलै, तो सीय के दाव पर अंगद धैलै, तो कौन बेजाय युधिष्ठिर कैलै। भगवान कृष्ण का मन स्वतः अपने आप से कह रहा है कि धर्म धुरंधर युधिष्ठिर बिना वजह बेचारा बदनाम हो रहा है, कि लोक समाज में नहा कहीं बदनाम धर्म धुरंधर भैलै, सीय के दाव पर अंगद धैलै, तो कौन बेजाय युधिष्ठिर कैलै। जब भक्त होकर के अंगद भगवान राम की पत्नी को दाव पर लगा सकता है, भरी सभा में लंका में अंगद ने कहा यदि मेरा पांव कोई खिसका दे तो प्रभु राम माता जानकी को यही छोड़कर चले जाएंगे, जब अंगद यह काम कर सकता है तो युधिष्ठिर ने तो अपनी पत्नी को दाव पर लगाया है। आप युधिष्ठिर को अनावश्यक बदनाम कर रहे हो प्रभु, कि भूल करै कि अभूल तबौ अनुकूल सदा यदि भक्त भूलैलै, और कैलै कुकर्म सुकंठ विभीषण ओपर रामक ध्यान न गैलै, तो लोक समाज में नाह कही बदनाम ई धर्म धुरंधर भैलै, तो सीय के दाव पर अंगद धैलै, तो कौन बेजाय युधिष्ठिर कैलै। अगला क्षण देखिए कि अपनी द्रौपदी धई देले जुआ पर लोक समाज में पावत गारी। युधिष्ठिर ने तो अपनी पत्नी को दाव पर लगाया तब भी वो समाज में गाली के पात्र हैं, उनकी निंदा हो रही है, कि अपनी द्रौपदी धई देले जुआ पर लोक समाज में पावत गारी, और काहे युधिष्ठिर के ऊपरा तुह उलदल महाभारत भारी। कि अपन द्रौपदी धैले जुआ पर लोक समाज में पावत गारी, और काहे युधिष्ठिर कई ऊपरा तुह उलदल महाभारत भारी। तो बाली के पूत कही करनी धई देले जुआ पर सियायस नारी, बाली के पूत कही करनी धई देले जुआ पर सियायस नारी, तो तौने के राम सभासद कैले रहा एनहू से जुआरी जे भारी। क्या बात है, भगवान का मन, भगवान कृष्ण का मन अपने आप से बात कर रहा है, स्वतः से कह रहा है कि त्रेता युग में बाली का पुत्र अंगद जब भगवान राम की नारी को दाव पर लगा दिया, उसने यह कर्म जब किया तो आपने अंगद को तो अपनी सभा का सभासद बना दिया, और इधर जब युधिष्ठिर दाव पर अपनी पत्नी को लगाए तो उनको निंदा क्यों मिल रही है। कि अपनी द्रौपदी धई देले जुआ पर लोक समाज में पावत गारी, और काहे युधिष्ठिर के ऊपरा तुह उलदल महाभारत भारी। तो बाली के पूत कही करनी धई देले जुआ पर सियायस नारी, तो तौने के राम सभासद कैले रहा एनहू से जे भारी जुआरी। अद्भुत प्रसंग चल रहा है भक्त और भगवान का। भगवान इस समय भीष्म का युद्ध एक तरफ, भगवान कृष्ण के अंतःस्थल में उनके हृदय में जो भक्त और भगवान के बीच संबंध हो रहा है उसमें द्वंद्व हो रहा है, उसी प्रसंग को पंडित जी लिख रहे हैं। अगला छंद आता है कि एक मन कहले से कैले प्रण बाटे तात। भगवान कृष्ण का मन कह रहा है अपने आप से, तात मतलब गंगा पुत्र भीष्म, कि एक मन कहले से कैले प्रण बाटे तात अपनी भुजा के बल निज प्रण पली हैं, यदि ना गहब चक्र मारी मारी बाणन से सारथी और रथी दूनहू कतन चली हैं। त
तो हम के जना तो बाट बाणन के ज्वालन में चक्र के त्यागी कुल यस्त शस्त्र जलि हैं। और यदि आजुए न करे पूरना ही प्रण होए भक्तन के हृदय से हम के निकली हैं। क्या बात है, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं यदि आज गंगा पुत्र भीष्म का प्रण पूर्ण नहीं हुआ तो भक्त जितने भी हैं, जितनी भक्त मंडली है, वह सब हमको अपने हृदय से निकाल देंगे। क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म ने जब प्रतिज्ञा की थी तो उन्होंने प्रतिज्ञा यह की थी कि मुझे हरि की शपथ है, मुझे भगवान श्री कृष्ण की शपथ है, अगर मैं आज उनसे चक्र नहीं उठवाऊंगा तो मैं शांतनु पुत्र नहीं कहाऊंगा। तो चूंकि शपथ भगवान कृष्ण की ही ली है गंगा पुत्र भीष्म ने, तो भगवान कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि मेरे ही भरोसे गंगा पुत्र भीष्म प्रण लिए हैं, मैं ही उनका प्रण पूर्ण नहीं करवाऊंगा, अपने भक्त का पूर्ण नहीं करवाऊंगा, तो भक्त मंडली में मेरे प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। वही भगवान कृष्ण का मन अपने आप से वार्ता करते हुए कह रहा है कि एक मन कहले सी कैले प्रण बाटे तात अपनी भुजा के बल निज प्रण पली हैं। कि एक मन कहले सी कैले प्रण तात बाटें अपनी भुजा के बल निज प्रण पली हैं। यदि ना गहब चक्र मारी मारी बाणन से सारथी और रथी दुनहु कतन चली हैं। तो हम के जनात बाटे बाणन के ज्वालन में अरे चक्र के त्यागी कुली अस्त्र शस्त्र जली हैं। यदि आजु इन कर नाही होए प्रण पूर भक्तन के हृदय से हम के निकली हैं। क्या बात है, अगला क्षण देखिए कि बाण पर बाण लग लेन न ध्यान मन, कि बाण पर बाण लग लेन न ध्यान मन, इहो न ध्यान तन लोहुआ लुहान बा। युद्ध चल रहा है, शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन इसका ध्यान है ही नहीं, सिर्फ भगवान के हृदय में भक्त गंगा पुत्र भीष्म के लिए उनका मन चिंतन कर रहा है। कि बाण पर बाण लग लेक न ध्यान मन, इहो न ध्यान तन लोहुआ लुहान बा। अभिषमक प्रण त भयल मूल कारण पै, अपने भविष्य पे भी लागल ध्यान बा। त कबहूँ उपासना ही कबहूँ उपासना ही सब ही सुपास जहाँ, सुविधा जनक यस कतउन मकान बा। और भक्त के ही और भक्तन के ही हमें जो ठाव नाही मिली हैं, त जग बीच हम के न रह ठेकान बा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर भक्त ही हमको अपने हृदय से निकाल देंगे, गंगा पुत्र भीष्म का प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगा, तो ये चारों तरफ शोर मच जाएगा कि ईश्वर पर भरोसा नहीं है, भगवान भक्तों का ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने हृदय से हमको निकाल देंगे तो मैं रहूँगा कहाँ। बहुत ही अद्भुत छंद कि बाण पर बाण लग लेन बाण पर बाण लग लेक न ध्यान मन, इहो न ध्यान तन लोहुआ लुहान बा। अभिषमक प्रण त भयल मूल कारण पै, अपने भविष्य पे भी लागल ध्यान बा। त कबहूँ उपासना ही उपवास ती कब कि बाण पर बाण लग लेक न ध्यान मन, इहो न ध्यान तन लोहुआ लुहान बा। अभिषमक प्रण त भयल मूल कारण पै, अपने भविष्य भी लागल ध्यान बा। त कबहूँ उपासना ही सब ही सुपास जहाँ, अरे सुविधाजनक यस कतौ न मकान बा। त भक्तन के ही हमें जो ठाव नाही मिली हैं, तक जग बीच हमें कहाँ रहे कठेकान बा। अगला क्षण देखिए भगवान भक्तों के प्रति कितने संवेदनशील रहते हैं। अगला छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कि कृष्ण के बुझाइल कि भीषमक प्रण नाही, कृष्ण के बुझाइल कि भीषमक प्रण नाही, भक्त मंडली से कढ़ी क्रांति चिनगारी बा। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि गंगा पुत्र भीष्म ने जो ये प्रतिज्ञा की है कि मैं आज चक्र उठवा के रहूँगा, यह हमें लगता है कि ये भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं है, भक्त मंडली से उठी ये क्रांति की चिनगारी है। क्या छंद है कि कृष्ण के बुझाइल कि भीषमक प्रण नाही, भक्त मंडली से कढ़ी क्रांति चिनगारी बा। कि कृष्ण के बुझाइल कि भीषमक प्रण नाही, भक्त मंडली से कढ़ी क्रांति चिनगारी बा। और भक्ति या तो जरि जाई या तो कहीं मरी जाई, औषधि न बाट यस भारी महामारी बा। भक्ति या तो जरि जाई या तो कहीं मरी जाई कि औषधि न बाट यस भारी महामारी बा। तो समुझ में आवे नाही
कवन उपाय करी, दुविधा में प्रण प्राण बहुत लचारी बा, समझ में आवे नाही कवन उपाय करी, दुविधा में प्रण प्राण बहुत लचारी बा। तो भक्त एकजुट हो है, हम ही अकेले हो छोट नाही, नने क पाति बड़ी भारी बा। भगवान कृष्ण का मन कह रहा है कि ये भक्त जब एकजुट हो जाएंगे तो इन सबों की संख्या बहुत अधिक है, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, इसलिए भक्तों के बारे में रे मन सोच। भगवान कृष्ण का मन स्वतः अपने आप से ही कह रहा है कि कृष्ण के बुझाइल की भी समक प्रण नाही, भक्त मंडली से कढ़ी क्रांति चिन्हगारी बा। कि भीषम के कृष्ण के बुझाइल कि भीषम क प्रण नाही, भक्त मंडली से कढ़ी क्रांति चिन्हगारी बा। और भक्ति यात जरी जाई यात कहीं मरी जाई, औषधीन बाट यस भारी महामारी बा। तो समुझ में आवे नाही कवन उपाय करी, अरे दुविधा में प्रण प्राण बहुत लचारी बा। तो भक्त एकजुट हो है, हम ही अकेले हो छोट नाही, इन्हने क पाति बड़ी भारी बा। आगे कहते हैं कि ना अपने बदे ऐली धरा पर, क्या बात है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं तो भक्तों के लिए पृथ्वी पर आता हूँ। कि ना अपने बदे ऐली धरा पर, भक्त न खाती रही हम आए। कि ना अपने बदे ऐली धरा पर, भक्त न खाती रही हम आए। और काय अवतार लिहे फल भैलन, सेवक जौ हम से अलगाए। क्या बात है, या नाय अपने बदे ऐली धरा पर, भक्त न खाती रही मन हम आए। कि नाय अपने बदे ऐली धरा पर, भक्त न खाती रही हम आए। और काय अवतार लिहे फल भैलन, सेवक जौ हम से अलगाए। तो टेक हमार जौ भक्त न कह दी, एक तराजू पे तौल ल जाए। टेक हमार और भक्त न कह दी, एक तराजू पे तौल ल जाए। तो मोरत जाए आकाश में पै पड़ला, एनहने क पताले में जाए। क्या बात है, पड़ला मतलब तराजू के दो पाठ होते हैं, उसी को पड़ला बोलते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, अगर मैं बंगा पुत्र भीष्म का मान नहीं रखूंगा, तो अगर भक्त मंडली को मुझे अगर तौली जाएगी कि आया कि टेक हमार और भक्तन कह यदि एक तराजू पर तौल जाए, तो मोरत जाए आकाशे पर पड़ला एहने पर पताल में जाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर तराजू पर भक्तों का टेक और अगर मुझे तौला जाएगा तो भक्त मंडली इतनी भारी है, हमको हमारी भक्ति करने वाले इतने अद्भुत अद्भुत भक्त हैं, अगर तौला जाएगा तो मेरा पड़ला आकाश में चला जाएगा यानी हल्का पड़ जाएगा, और भक्तों का पड़ला पाताल में चला जाएगा यानी भारी पड़ जाएगा। कोई चीज़ जब तौला जाता है तो जिधर वजन ज़्यादा होता है वो नीचे लटकता है, हल्का वाला ऊपर चला जाता है, वही वर्णन यहाँ पंडित जी ने किया है। अद्भुत, प्रणाम करता हूँ। कि नाय अपने बदे ऐली धरा पर, भक्तन खाती रही हम आए। कि नाय अपने बदे ऐली धरा पर, भक्तन खाती रही हम आए। और काय अवतार लिहे फल भैलन, सेवक जौ हम से अलगाए। तो टेक हमारा यो भक्तन कह यदि, अरे एक तराजू पै तौल ल जाए। तो मूरत जाए आकाश में पै पलला, एनने क पताले में जाए। अद्भुत छंद, कहाँ कहाँ से पंडित जी भाव लाते हैं, प्रणाम करता हूँ उनको और उनके काव्य शिल्प को। अगला सुनिए छंद। कि भक्त न कह किछु दोष, कि भक्त न कह किछु दोष न बा, एनने के सदा मन तू ही बढ़ौल। अद्भुत छंद, बड़ा ही विनोदपूर्ण छंद। भगवान कृष्ण का मन उनसे स्वतः कह रहा है कि भक्तों का मन तो तुम ही बढ़ाए हो। कि भक्त न कह किछु दोष न बा, एनहने क सदा मन तू ही बढ़ौल। कि भक्त न कह किछु दोष न बा, एनहने क सदा मन तू ही बढ़ौल। और टेक सदा रखल निज दासक औ अपने में, टेक सदा रखल निज दासक औ अपने मन के समुझौल। तो जानत बाजग सारा है जब से अस आप स्वभाव बनौल। जानत बाजग सारा है जब से अस आप स्वभाव बनौल। तो भक्तन कै महिमा बढ़ली, समुझे बुन काहे कपारे चढ़ौल। कि भक्तन कै महिमा बढ़ली, समुझे बिनु काहे कपारे चढ़ौल।
भगवान कृष्ण का मन खुद कह रहा है कि जब आप जानते थे भक्तों को कि ये अन्नबंड प्रतिज्ञा करते रहेंगे, किसी को भी दाव पर लगाते रहेंगे, आपके बल पर कोई भी प्रण ठान लेंगे, तो आप भक्तों को इतना सर पर चढ़ाए क्यों? आप ही चढ़ाए हो तो आप भोगो। कि भक्त न कह किछु दोषन बा इन्हने के सदा मन तू ही बढ़ौल कि भक्त न कह किछु दोषन बा इन्हने के सदा मन तू ही बढ़ौल और टेक सदा रखल निज दास क और अपने मन के समझौल। तो जानत बा जग सारा ही है सबसे अस आप स्वभाव बनौल। कि जानत बा जग सारा ही है अरे जब से अस आप स्वभाव बनौल तब भक्त न कह महिमा बढ़ली समुझे बिनु काहे कपारे चढ़ौल। वाह, अगला छंद देखिए कि एक जऊ हो तत दे गिनाई। प्रमाण दे रहा है भगवान कृष्ण का मन, स्वतः प्रमाण दे रहा है कि आप भक्तों को सर पर चढ़ा के रखते हो, उसी का परिणाम है कि आज आप युद्ध क्षेत्र में झेल रहे हो अपने भक्त गंगा पुत्र भीष्म के समक्ष। उसका प्रमाण भगवान कृष्ण का मन स्वतः भगवान कृष्ण को दे रहा है। छंद सुनिए कि एक जऊ हो इत दे गिनाई। एक हो तो बता दूं कई हैं कि एक जो हो इत दे गिनाई प्रमाण न पोथी पुराण भराबा। क्या बात है, पोथी पुराण वेद पुराण पढ़िए, उसमें तमाम भक्तों की श्रृंखला लगी हुई है। कि एक जो हो तत दे गिनाई प्रमाण न पोथी पुराण भराबा। कि एक जो हो त दे गिनाई प्रमाण न पोथी पुराण भराबा और हाथ जो कंगन आरसिका पर तोसन दूर यहीं पै धराबा। त जन्म तथा जन्मांतर से तब दासन में सबसे जे बड़ा बा। जन्म तथा जन्मांतर से तब दासन में सबसे जे बड़ा बा तो तूनी चवा रथ हाँक बाट कपारे तोरे हनुमान चढ़ावा। क्या बात है, अर्जुन के रथ की पताका पर हनुमान जी का निवास है। युद्ध क्षेत्र में जब तक युद्ध चलता रहा अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का निवास रहा। क्या पंक्ति आई है कि आपने भक्तों को सर पर चढ़ा के रखा है, उसके प्रमाण के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता है ये नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण हनुमान जी आपके परम भक्त और इस समय आप नीचे बैठ के रथ हाँक रहे हैं और सर पे आपके हनुमान जी पताका पर आपका भक्त विद्यमान है। इससे बड़ा प्रमाण और मैं क्या दूं। क्या छंद है, क्या प्रयोग है पंडित जी ने किया, प्रणाम करता हूँ। कि एक जो होई त दे गिनाई प्रमाण न पोथी पुराण भराबा। कि एक जो होए त दे गिनाई प्रमाण न पोथी पुराण भराबा तो हाथ जो कंगन या रसिका पर तोसन दूर यहीं पै धराबा। कि हाथ जो कंगन या रसिका पर तोसन दूर यहीं पै धराबा तो जन्म तथा जन्मांतर से तब अरे दासन में सबसे जे बड़ा बा तो तू नीचवा रथ हाँ कत बाट कपारे पतोरे खड़ा हनुमान बा। कि तू नीचवा रथ हाँ कत बाट कपारे तोरे हनुमान चढ़ावा। अद्भुत छंद, बड़ा ही विनोदपूर्ण छंद है। क्या बात है, अगला छंद आता है कि भीषम बोलल बाय हसान कि तू द्रौपदी का इलाज बचैल। क्या बात है, क्या कोमल हृदय विदारक बात गंगा पुत्र भीष्म कह गए। उनके मन में एक कचोट अंत तक रहा कि द्रौपदी की जब लाज लूट रही थी तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। वही अपने मन का कचोट भगवान कृष्ण से कर रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर एक यही एहसान किया है कि भरी कौरव सभा में आकर आपने द्रौपदी की लाज बचा ली। क्या वेदनापूर्ण छंद है कि भीषम बोलल बाय एहसान कि तू द्रौपदी का। कि भीषम बोलल बाय एहसान कि तू द्रौपदी का इलाज बचौल तो ई झगड़ा दूसरे परिवार के काहे निमंत्रण ना ठुकरौल। ते कई बाप क दुई बेटवा बड़ का कस बापर तू कस भैल तो तीरथ में गईल बलराम पे तू यहाँ आगे लगावही अल। क्या बात है, भगवान कृष्ण कहते हैं आपने एक कार्य तो बहुत बढ़िया किया जो द्रौपदी की लाज बचा ली, लेकिन युद्ध का निमंत्रण जब आपके पास गया तो आप उसको ठुकरा के उन्हें दिए। फिर अगली पंक्ति आई कि एक ही बाप का दुई बेटवा कृष्ण बलराम। एक ही बाप का दुई बेटवा बड़का कसबा पर तू कस भैल। जब युद्ध
कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा तो उस समय बलराम तीर्थ यात्रा पर चले गए थे और भगवान कृष्ण युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का सारथी बनकर के धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का संचालन कर रहे थे कि भीषम बोलल बाहसान की तू द्रौपदी कई लाज बचैल और झगड़ा दूसरे परिवार काहे निमंत्रण ना ठुकरैल तो एक बाप के दू बेटवा अरे बड़का कस बापर तू कस भैल तो तीर्थ पे गैल बलरामत तू यहाँ आग लगा वही ऐल क्या बात है। अगला छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए कि सोचल कृष्ण की राखे बदे ब्रज पै अंगूरी पै पहाड़ उठौली कि सोचे लगे कि सोचल कृष्ण कि सोचल कृष्ण की राखे बदे ब्रज मैं अंगूरी पै पहाड़ उठौली तो जैसे उठा ए खड़ा रधवाक कि जैसे उठा ए घड़ा रधवाक उठाई कपार ए घरे पहुँचौली तो यज्ञ में पत्तल जूठ उठाए ना मन में तनिको सकुचैली यज्ञ में पत्तल जूठ उठाए और ना मन में तनिको सकुचैली तैसे ही चक्र उठावे पड़े अब तौ बड़ चक्कर में पड़ी गईली। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे चक्र उठाना पड़ेगा, कहने की सोचल कृष्ण की राखे बदे ब्रज में अंगुरी के पहाड़ उठ अंगुरी पर पहाड़ उठौली और जैसे उठाए घड़ा रधवा कर उठाई कपारे घरे पहुँचौली, कहने की जैसे जैसे मैं इतना कार्य किया इतना ही नहीं यज्ञ में पत्तल जूठ उठाए। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो सबको सबका काम बट गया, भगवान कृष्ण को कोई कार्य नहीं मिला, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ में जब लोग भोजन करेंगे तो मैं पत्तल उठाऊंगा। तो वही कहना कि जब मैं राजसूय यज्ञ का पत्तल उठा सकता हूँ, राधा के घड़े को उठा करके घर पर पहुंचा सकता हूं, कानी अंगुली को ऊपर गोवर्धन उठाकर सबको बचा सकता हूं, तो मैं चक्र उठाकर अपने भक्त के प्राण की लाज क्यों नहीं रख सकता। क्या पावन छंद है, आइए इस छंद का पुनः श्रवण करके इस भाग को यही विराम देते हैं कि सोचल कृष्ण की राखै बदे ब्रज मैं अंगुरी पर पहाड़ उठौली कि सोचल कृष्ण की राखै बदे ब्रज मैं अंगुरी पर पहाड़ उठौली जैसे उठाए घड़ा रधवाक उठाई कपारे घरे पहुँचौली तो यज्ञ में पत्तल जूठ उठाए और ना मन में तनिक कौशक उचौली कि जैसे मैं पत्तल जूठ उठाए ना मन में तनिक कौशक उचैली तो तैसे ही चक्र उठावे पड़े अब तौ बड़ चक्कर में पड़ी गईली। अद्भुत, इस भाग को यही विराम देता हूँ। अभी बड़े बड़े पावन छंद पड़े हुए हैं, बड़े विनोदपूर्ण छंद पड़े हुए हैं, भक्ति रस से ओतप्रोत छंद पढ़ा हुआ है, अभी तो वो प्रसंग बाकी ही है जब गंगा जब भगवान कृष्ण चक्र उठा लेते हैं तो भीष्म कितने विनत भाव से भगवान कृष्ण के आगे साष्टांग दंडवत करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे भावपूर्ण छंद अभी आप तक पहुँचाना बाकी है, आप लोग सुन रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि यह धरोहर पंडित जी ने ये जो भीषम बाबा खंड काव्य लिखा है इसके पूरे द्रौपदी खंड काव्य आप लोगों ने सुना, सीता खंड काव्य पूरा आप लोगों ने सुना, उसे बहुत पसंद किया, वैसे ही पंडित जी की हर रचना हर काव्य जगत का धरोहर है और उस धरोहर को सजो के रखना हमारा काम है आपका काम है, इसीलिए मैं कहता हूँ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि देश विदेश को पता चले, दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान में कैसे साहित्य का सृजन होता है, भाव में गोता कैसे लगाया जाता है, ये दुनिया जाने कि हिंदुस्तान है क्या। इन्हीं शब्दों के साथ सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे, प्रणाम।